हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखें ये पौधा लग गया है और माशाल्लाह इसकी इंजीर का पौधा है। और ये इंजीर जो लगी हुई है ये भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक गलती हो गई, मुझसे टूट गया, अभी टूटा है। जस्ट सेकंड पहले मैंने वीडियो ऑन कर रहा था, मैं ऐसे पकड़ा हुआ था, याद नहीं किया। अभी इसको मैंने ऐसे दबा दिया है, अल्लाह करे बस ये लग गया है। बाकी अंगूर मैंने निकाल दिया है, अंगूर नीचे गया, घर में लगा दिया मैंने, ऊपर धूप की गर्मी की वजह से जल रहा था वो। इधर ये पौधा नया निकला है, बाकी और कहीं और नहीं निकला, इसके दो पत्ते और निकला है सूरजमुखी के माशाल्लाह से। बाकी एक ही खीरा सही है अभी तक। लौकी के पत्ते निकला है, इसके भी पत्ते निकल रहे हैं, ये माशाल्लाह ये वाले सबसे ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। बैंगन भी वहीं पर वहीं का वहीं रुका हुआ है, और ये भी वहीं का वहीं रुक गया है अभी तक। नीचे वाली भी पौधे ने भी नहीं निकाले, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बाकी इनमें से भी एक पौधा निकाल के, एक बोलना दो पौधे निकाल के लेके जा रहा हूँ मैं। आज सुबह इधर भी बहुत अच्छे पौधे निकले हुए, अच्छी मतलब वो निकली हुई थी, फूलिंग हुई, फ्लावरिंग कर रही हुई थी। लेकिन जैसी शाम होती रहती है ये पौधे बैठा देता है, ये अपने निकाल मतलब नीचे मतलब बंद कर देता है पौधे। ये देखें अब तो सारे फूल निकाल रहे हैं, ये देख सकते हैं फ्लावरिंग। कल बारिश हो रही थी इस वजह से ज़्यादा मैंने बनाया नहीं पाया था व्लॉग। अब इसको देखना है कौन सा अलग है, या भी किस में जड़ बनी हुई है वो निकालूंगा बस मैं ये फ़िलहाल के लिए। इसमें देख रहा हूँ जड़े, ये एक पौधा है बड़ा है, इसको मैं अपने पास ही रखूँगा, बड़ा है क्योंकि वो सबसे बड़ा पौधा है अभी तक इसके अंदर। ठीक है, कब्रिस्तान में भी लगाना है जाके, वहाँ पर तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाता कब्रिस्तान के अंदर, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता बनाना। ये लेके जाना है, एक ही बहुत ये है। मैं समझ रहा था ये वाला, ये इसको समझ रहा था दो होंगे ये, लेकिन ये मतलब क्या बोलें, एक ही निकला ये ऐसे, एक ही थैली में से एक थैली मैंने वाला लिया था प्लांट ये। वो भी चेक कर रहा हूँ साथ, मिट्टी भी मैंने ऊपर नीचे कर दूँ और बीच में लगाना इस बार। साइटों में ना अजीब लग रहा है, एक ही जगह पे हो ज़्यादा बेहतर है। एक पौधा लेके जा रहा हूँ कब्रिस्तान में लगाने के लिए, और ये फ्लावरिंग जो कल जो करेगा ना ये पौधा, वो जब मैं आज दिन में मैं हुआ छत पे, दिन में ज़रूर दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से माशाल्लाह भरा हुआ होता है ये पौधा फ्लावरिंग से। और बाकी अब जो लेके जा अब, लेकिन ये एक गुड न्यूज़ आ गई है, खरगोश आ गए, ये आपको कल की वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। आइए तो आज आप देख लिए, एक नज़र मार लिए, मैं इसको ही निकाल लूँ। मैं एक घास लेकर आया था, मैं एक घास ले आया था ये ऐसे ही कल ना पिंचों के लिए डालने के लिए, तो फिर ना इनके काम आएगी खाने के। अरे खाना शुरू करते हैं, मेरे सामने एक दफ़ा हाँप रहे हैं, दाना ये रख दिया, भरपूर दाना गिरा रहता है इस पिंजरे में ना। आपको ये तो मेरे एक मिनट में माशाल्लाह इसकी आंखें देखें ब्लू हैं, पानी की तरफ करूँगा, बाकी उस तरफ लेके जाना है मुझे आपको। एक तरफ ब्राउन है इसकी, एक तरफ ब्लू,
इसकी आँख देखेंगे, बिस्मिल्लाह। इसकी भी ऐसी है, एक तरफ ब्राउन एक तरफ ब्लू। बच्चे लिए मैंने छोटे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इधर ये मॉल के हिसाब से सेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बंद करता हूँ ये पोस्ट करके, फिर दूसरी तरफ की मैं छोटी सी फुटेज दिखाऊंगा और ये पौधा लेके अभी अभी के लिए निकल जाऊंगा मैं। अभी ये मेरे सामने बस ये खा लेना, मैं जाऊँ ना अपना काम धंधे में लगूँ, कब्रिस्तान भी आना। ठीक है, फिर मैं बाहर निकलता हूँ मैं और आपको अब मिलूँगा मैं कल की वीडियो में। वीडियो 5 मिनट की बनी है आज, इसमें ज़्यादातर तो मैंने अपने खरगोशी दिखा दिए, जानवर दिखा दिए हैं, इनका नाम भी सोच के रखेंगे हम। दूसरे चैनल पे आपको जो भी होगा वो मिल जाएगा, नाम वाम सब का नामकरण जो भी करेंगे वो दूसरे चैनल पे होगा। SMA पेट लवर्स पे और SMA लॉक्स पे नहीं है कुछ भी ऐसा। तो यार ये थोड़ा फिंचो है, मसला ना हो जाए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।